हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह, केतु आपको मालूम है, राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु तो सिर है और केतु धड़ है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि राहु की केतु की दृष्टि पड़ रही है और केतु आपका ये कर देगा वो कर देगा। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि केतु जहाँ पर बैठता है कुंडली में, स्पेशली वहीं का फल करता है, क्योंकि केतु के सिर नहीं है। जिसका सिर नहीं है वो देखेगा कैसे? ये वैज्ञानिक रूप से देखी जाए, ये बात समझी जाए, तो जिसका सिर ही नहीं है वो देखेगा कैसे? तो केतु ग्रह हमेशा जहाँ बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, योग कारक ग्रह के साथ बैठता है, तो उसके हिसाब से ही केतु फल देता है। सबसे बड़ी चीज़ है, केतु अचानक फल देने वाला ग्रह है। जीवन में अचानक किसी को राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना सकता है। जिनकी कुंडली में शुक्र के साथ केतु बैठा होता है उनको अथाह धन दिलाता है केतु, और जीवन में अचानक से उनके जीवन में भौतिक सुख साधन अचानक से आ जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया, ज़िंदगी में चमत्कार कैसे हो गया। तो केतु को आपको कभी भी किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए। और एक्चुअली क्या है, राहु और केतु के नाम से भयभीत होते हैं इंसान, लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सभी ग्रह अच्छे और बुरे दोनों तरह से फल करते हैं। तो ये ना सोचें कि केतु है तो बहुत ख़राब ही फल करेगा। और वैसे भी हर ग्रह का उपाय करके, हर बीमारी का इलाज होता है ना, कि सिर दर्द है हो रहा है तो उसका इलाज हो रहा होता है, या कोई और प्रॉब्लम हो तो उसका भी इलाज होता है। तो जब ग्रह नकारात्मक है, आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे उपाय हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं। इसके अलावा व्यवहारिक रूप से जो एक ज्योतिषी होने के नाते मैंने अपने 20 साल के अनुभव में जो बातें निकाली हैं, निचोड़ कर आपके लिए अनुभव के आधार पर, और उनका लाभ मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा, उम्मीद है इससे आपको बहुत लाभ होगा। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसे एक यही वीडियो नहीं है, हजारों वीडियो अब आपके सामने आएंगे जो आपको लगेगा कि आपके जीवन में आपकी आई ओपनर साबित होंगे। आपको लगेगा कि आपको ये सब बातें पहले क्यों नहीं पता थी। छोटी छोटी चीज़ें जिनमें कुछ खर्चा ही नहीं है, उनका उपयोग करके आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे इसका ध्यान रखें आप, और बहुत सी जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है उनको आप सॉल्व कीजिए और जीवन में उन्नति को आप प्राप्त कीजिए। केतु ग्रह, केतु ग्रह के देवता कौन हैं? प्राय बुधवार की बात करके लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, पर आपको पता है केतु ग्रह के जो देवता हैं वो भगवान श्री गणेश हैं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से, उनको दूर्वा चढ़ाने से केतु ग्रह के दोष शांत होते हैं। तो इसलिए जो पाप ग्रहों की शांति कीजिए, जीवन में कोई भी विघ्न आ रहा है, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जब आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो केतु भूलकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान गणपति की उपासना कीजिए, गणपति मंत्रों के जाप कीजिए। इसके अलावा केतु यंत्र भी आता है, यदि जिनका मूलांक 7 है वो इसको रख सकते हैं, या फिर जिनकी कुंडली में केतु शुभ स्थान में बैठा है, शुभ स्थान से मतलब केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा है, तो उनको भी इससे लाभ होगा। और केतु की जो स्वग्रही राशि है वो सिंह मानी गई है। केतु सिंह राशि में स्वग्रही माना जाता है, तो जिनकी राशि में 5 नंबर के साथ केतु लिखा है तो उनको तो वो हमेशा फायदा ही देता है। केतु घुन्ना ग्रह है, गुप्त भेदी है, मन में बातें रखने वाला है। जिसके लग्न में केतु होता है वो ऊपरी तौर पे जैसा दिखाई देता है, वास्तव में वो व्यक्ति वैसा नहीं होता है। मन में बहुत सी बातों को दबा के रखता है, दूसरों के प्रति कई बार वैर भाव भी रखता है, लेकिन ठीक है, दूसरों के लिए खराब है, पर व्यक्ति खुद के लिए तो बहुत अच्छा होता है, अपने परिवार के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपने परिवार के लिए एक रक्षा कवच की तरह हमेशा खड़ा रहता है, बहुत इंटेलिजेंट भी होता है ऐसा व्यक्ति। तो केतु के शुभ प्रभाव भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा केतु आध्यात्मिक ग्रह है। राहु को जहाँ बहुत अधिक हम पाप ग्रह मानते हैं, लेकिन केतु आध्यात्मिक ग्रह है, मोक्ष का कारक है। केतु के द्वारा आप जीवन में बहुत अधिक रिलीजियस हो सकते हैं। जिस तरह से गुरु का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से कुछ विद्वान तो गुरु का शिष्य तक मानते हैं केतु को, कि गुरु का शिष्य है केतु, और जो राहु है वो शुक्र ग्रह का शिष्य है, शुक्रदेव का शिष्य है। तो राहु के नेचर में थोड़ा अलग तरह का व्यवहार होता है और केतु के नेचर में अलग तरह का व्यवहार होता है। इसके अलावा केतु की शांति का जो बेस्ट उपाय है, जिनके कि अष्टम स्थान में केतु चला गया है, या किसी शुभ ग्रह को जो आपके कारक ग्रह है कुंडली में केंद्र के स्वामी है, या किसी न किसी रूप से पीड़ित कर रहा है, यदि राहु केतु किस पीड़ित कर रहे हैं, स्पेशली नीच के होने पर यदि पीड़ित कर रहे हैं, तो आपको इसकी शांति करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि चितकबरा जो कुत्ता होता है, डबल शेडिंग वाला जो धब्बे होते हैं जिस कुत्ते के, उस कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, उससे भी केतु ग्रह की शांति होती है। घर में कोई कुत्ता भी आप पाल सकते हैं, उसकी भी आप सेवा करें, उसको ब्रेड वगैरह दें, उससे भी
केतु ग्रह की शांति होती है। इसके अलावा केतु यंत्र की स्थापना करके केतु के मंत्रों का जाप भी ऐसे लोग कर सकते हैं जिनके लिए अनिष्टकारी स्थिति केतु ने निर्मित की है। इसके अलावा केतु के लिए एक काम और कर सकते हैं आप कि सप्त धान्य का भी आप दान कर सकते हैं, पक्षियों को भी आप सप्त धान खिला सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार या गुरुवार के दिन, स्पेशली गुरुवार को ही करें आप ये, गुरुवार के दिन आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कंबल का भी दान कर सकते हैं। आप शॉल वगैरह भी जो डबल कलर की हो, चितकबरे जैसे डबल मिक्सिंग कलर हो, इस तरह का कोई कपड़ा हो तो उसका भी आप दान किसी गरीब व्यक्ति को आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप केतु के उपाय करके केतु की शांति कर सकते हैं। किसी अंधे व्यक्ति को आप भोजन करा सकते हैं मंगलवार या गुरुवार के दिन, उससे भी केतु ग्रह की अनिष्टता का निवारण होता है। इसके अलावा झंडे का आपको दान करना चाहिए, झंडे का दान कर सकते हैं। दान आप कैसे करेंगे कि जहाँ किसी को झंडा देना हो वो आप फ्री में किसी को दे दीजिए खरीद कर, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे नेशनल ओकेज़न होते हैं, उन पर आप झंडे लेकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये दान का दान नहीं, ये देश सेवा का भी काम होगा और आपके ग्रहों की भी शांति होगी और इससे बढ़कर कोई अच्छी भावना आपके भीतर नहीं हो सकती है। तो ये भी आप कर सकते हैं, झंडे खरीद दीजिए और लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, ऐसे करने से भी आपके केतु की शांति होती है। इसके अलावा केतु के जो मंत्र होते हैं उनका जाप हमेशा आपको एक निश्चित समय पर करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक जाप कब कर लिया, एक जाप कब कर लिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो केतु का नग है वो कैट्स आई है। कैट्स आई कौन पहने, जिनका मूलांक 7 है और जन्म कुंडली में भी केतु 6, 8, 12 में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति केतु का नग पहन सकते हैं, जिसको कि लहसुनिया भी बोलते हैं। और लहसुनिया धारण करने से ऐसे व्यक्तियों का तुरंत भाग्योदय होता देखा गया है, क्योंकि केतु जीवन में बहुत ही अचानक और बहुत जल्दी राइज कराता है व्यक्ति को। तो इस तरह से केतु के शुभ प्रभावों को आप प्राप्त कर सकते हैं। केतु के लिए जिनका केतु बहुत पावर में है कुंडली में, उनको रेंगने वाले कीड़ों से सावधान रहना चाहिए। खुजली इत्यादि, या जिसको बोलते हैं कोड़ वगैरह, या खुजली अंगों पे खुजली होना, इस तरह की चीज़ों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। कई बार बॉडी से कोई पपड़ी वगैरह उतरना, एक्जिमा टाइप होना, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जैसे ही कोई इन्फेक्शन हो तो तुरंत आपको रेमेडीज की कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से केतु ग्रह की आप शुभ प्रभावों को कुंडली में उपायों को करके बढ़ा सकते हैं और केतु की अनिष्टता का आप निवारण भी कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। बाय बाय।